हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं आपको agrawalenglish.com के इस यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पोएट्री सेक्शन के सेकेंड चैप्टर सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। मैं सबसे पहले आप तमाम दोस्तों कहना चाहता हूं कि श्री गणेश मय करू राष्ट्र के बंधन से, श्री गणेश मय करू राष्ट्र के बंधन से, वंदे मातरम के जो तेरे भय अभिनंदन से, लिए भावना भव राष्ट्र के वंदन करता हूँ, लिए भावना भव राष्ट्र की वंदन करता हूँ। YouTube देखने वाले तमाम दोस्तों को मैं बीके अग्रवाल दिल से अभिनंदन करता हूँ, दिल से अभिनंदन करता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसको कंपोज किया गया वाट विटमिन के द्वारा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए रिलीजियस पोएम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक धार्मिक कविता है। इट हैज बीन कंपोज बाय वाट विटमिन। यह कंपोज किया गया है, रचना किया गया इसका वाट विटमिन द्वारा। He was an American poet. इसे अमेरिकन पोइट के नाम से जाने जाते हैं। वो एक अमेरिकन पोइट थे। He composed many poems. बहुत सारी कविता लिखी। But in this poem, he talks about American individualism. लेकिन इस कविता में कवि वाट विटमिन से चर्चा करते हैं अमेरिका के व्यक्तित्ववाद के बारे में। जो फर्स्ट स्टंजा आप लोग भी बुक में पढ़े होंगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन जब सर पढ़ाए होंगे, या हिंदी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं मेरा, हिंदी एक्सप्लेनेशन में पढ़े होंगे, फर्स्ट स्टैंजा था कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज इट बिलोंग्स टू यू। हिंदी हो जाएगा इसका कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज इट बिलोंग्स टू यू। मैं खुद को आनंदित करता हूँ और खुद गाता हूँ। जो मैं स्वीकार करता हूँ तुम भी स्वीकार करते होंगे, क्योंकि जो कुछ तेरे पास है वो कुछ मेरे पास है। अर्थात जिस मिट्टी बाय हवा से तुम बनी हो, उसी मिट्टी बाय हवा से मैं भी बना हुआ। अर्थात कभी जी धार्मिक विचारधारा को प्रकट करते हैं कि दुनिया में जितना भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितना भी जाति है, सभी सर्वशक्तिमान ईश्वर के एक ही संतान है। जिस मिट्टी बाय हवा से तुम बनी हो, उसी मिट्टी बाय हवा से मैं भी बना हूँ। यानी दुनिया में कोई भी जाति कोई भी धर्म अलग नहीं है, सभी एक ही कण से बने हुए, इसलिए सभी सर्वशक्तिमान ईश्वर के एक ही जैसे संतान है। चलिए, ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया। हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि हु कंपोज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा कंपोज किया। कंपोज करने का मतलब हो गया रचना करना। कविता को रचा जाता है, कहानी को लिखा जाता है। रिटेन बाय उसमें दिया रहेगा, इसमें देखिए कभी कभी इसमें भी रिटेन दे दिया जाता है, लेकिन आप देखिए कंपोज रहेगा। कंपोज मीन्स रचना कर। कौन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को रचना कौन किए थे, तो आप ऑप्शन देखिए, जॉन डन जी, वाट विटमैन, कमला दास या नन। कौन सा आंसर होगा, सही आंसर बताइए। करेक्ट आंसर आप लोग को बता रहे हैं। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है कंपोज किया गया है वाट विटमैन के द्वारा। आप ट्रिक वाले वीडियो में देखिए, पूरे चैप्टर का जितने भी आपको चैप्टर है, 10 चैप्टर हो गया पोएट्री सेक्शन, 11 चैप्टर हो गया आपका प्रोज सेक्शन, 11, 10, 21 चैप्टर, टोटल 21 चैप्टर का जो है पोएट्री यानी इसके कवि का नाम और किसके द्वारा लिखा गया है, चैप्टर का नाम और किसके द्वारा लिखा गया, ये आपको ट्रिक बताया गया है, जो आपको बिहार बोर्ड के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 10 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर का पूछा जाता है आपको पोएट्री सेक्शन से मैचिंग करने वाला, 5 नंबर का पूछा जाता है आपको प्रोज सेक्शन से मैचिंग करने वाला। ये सारे आपको मैचिंग किस तरह से करना, कैसे याद रखना है, किसके द्वारा क्या लिखा गया है, ये आपको ट्रिक एक ही ट्रिक में पूरा बताया गया है। तो आप जा करके प्ले लिस्ट में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इस ट्रिक को। ऐसा ट्रिक आपको यूट्यूब में चैलेंज है, कहीं नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका, यानी हु कंपोज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा कंपोज किया गया, तो वाट विटमैन के द्वारा कंपोज किया गया, आपको पहले बता चुके हैं। तो बी नंबर आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट विटमैन जी क्या चीज कंपोज किए, कौन सा पोएम को कंपोज किए। तो आपको पहले ही पढ़ा चुके थे वाट विटमैन जी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कंपोज किए थे। तो देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो सी नंबर आंसर आपका हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ। इसे सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन व्हाट विटमैन वाज बोर्न इन। व्हाट विटमैन जी का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, कितनी ईस्वी में हुआ था और मृत्यु कितनी ईस्वी में हुआ था। तो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे इनका जन्म हुआ था 1890 और मृत्यु हुआ था 1892 में, यानी 1819 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1892 ईस्वी में 1892 में इनका मृत्यु हुई थी। तो बताइए कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन होगा।
ए नंबर आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर नंबर क्वेश्चन है, द पोइट वाट हिटमैन सिंग्स फॉर, यानी कवि जी हैं वाट हिटमैन, जो कवि हैं वो गाते हैं, सिंग मीन्स गाना, गाते हैं फॉर किसके लिए गाते हैं, तो हिमसेल्फ खुद के लिए गाते हैं, क्योंकि याद कीजिए आपको एक्सप्लेनेशन में जस्ट बताई थी फर्स्ट स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, इसका हिंदी हो गया मैं खुद को आनंदित करता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ, खुद में उत्साहित होता हूँ, मैं खुद को आनंदित करता हूँ, खुद ही गाता हूँ। तो यहाँ देखिए गाने का मतलब खुद गाते हैं, तो हिम सेल्फ मीन्स खुद गाते हैं, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर, सिंग फॉर हिम सेल्फ, खुद के लिए गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, लिप्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोइट्री, लिप्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स आप लोग पढ़े होंगे, ये दो कलेक्शन है पोइट्री का, ये लिखा गया किनके द्वारा लिखा गया है, तो हम लोग नॉर्मल सी बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया वाट हिटमैन द्वारा, इसलिए लिप्स ऑफ ग्रास कलेक्शन है वाट हिटमैन जी का, इसलिए ये रिटर्न किसके द्वारा लिखा जाएगा, तो ये आपको कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो वाट हिटमैन जी आपका बी नंबर आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी नंबर पाप चिन्ह लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नंबर सिक्स, वाट हिटमैन सेज डेट, वाट हिटमैन जी का कहना है कि डेट ही इज डेट ईयर्स ओल्ड, यानी वाट हिटमैन जी कितने साल का रहते हैं, उनका क्या कहना कि इस पोएम के अनुसार कवि जी कितने साल का रहते हैं, आप पढ़े होंगे आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, कवि जी कहते हैं मैं अभी 37 साल के और पूर्ण रूप से स्वस्थ, होपिंग टू सीज नो टिल डेथ, मैं आशा करता हूँ जब तक कि मैं जिंदा रहूँगा, जब तक कि मेरी मृत्यु ना हो जाए, मैं अपने आप को कभी सीज नहीं होने देगा, सीज मतलब कि रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, अपने लक्ष्य के पीछे इतना भागूंगा जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, कहते हैं उठो जागो तब तक भागो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, इसलिए कवि जी कहते हैं मैं अपने लक्ष्य के पीछे इतनी मेहनत से काम करूँगा कि मैं अपने आप को कभी सीज होने नहीं दूंगा जब तक कि मेरी मृत्यु ना हो जाए, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन था, लेकिन यहाँ पर देखिए कवि जी कितने साल के, कविता के अनुसार कवि जी कितने साल के रहते हैं, तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए 37 साल 37 ईयर्स और आपका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेवन नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट ऑब्जर्व, कवि जी समर इन समर में गर्मी के दिनों में कवि जी क्या चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, द स्पीयर ऑफ समर ग्रास, गर्मी के घास को जाकर के ऑब्जर्विंग करते हैं, टकटकी लगा के देखते हैं, तो समर स्पीयर ऑफ समर ग्रास, स्पीयर का मतलब होगा सूल, समर ग्रास का मतलब होगा गर्मी के घास का जो सूल था उससे वो ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है, यानी बोलने वाले वक्ता कौन है, तो कवि जी खुद बोल रहे हैं, इसलिए आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, द पोइट हिमसेल्फ, कवि जी खुद, यानी वाट हिटमैन जी खुद बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट डू इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है इसमें कवि जी क्या करते हैं, तो गाते हैं किसके लिए, खुद के लिए, और आनंदित भी खुद होते हैं, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट में इसमें दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, द पोइट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कवि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो कवि हैं डैश फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए क्या करते हैं, गाते हैं, सिंग करते हैं, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आंसर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज आई, कविता में आई कौन है, आई मीन्स कवि जी खुद हैं, द पोइट हिमसेल्फ, आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आंसर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये आपको पहले भी सुना दी, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट इज योर सेल्फ जिम फॉर एवरी एटम बिलोंग टू मी एज इट बिलोंग्स टू यू, ये आपको ये जो लाइन है किस कविता की लाइन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। नेक्स्ट लाइन देखिए इसमें और करके दिया हुआ, आई हर्बर फॉर गुड एंड बैड, मैं आशा करता हूँ, मैं आशा रखता हूँ, मैं मानता हूँ गुड और बैड, यानी अच्छाई और बुराई दोनों, तो ये जो लाइन है किस कविता की लाइन है, या माई टंग एवरी एटम ऑफ ब्लड फ्रॉम दिस सेल दिस एयर, यानी कवि जी कहते थे मेरी जुबान और मेरे खून का हर एक कण इसी मिट्टी इसी वायु हवा से बनी हुई है, यानी अमेरिका की ही मिट्टी अमेरिका के ही हवा से बनी हुई है, ये आपको किस पोएम में इसका चर्चा हुई, ये पोएम को लिखना, ये पोएम देखिए कौन सा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, देखिए कौन सा आंसर होगा, डी नंबर आंसर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लाइन आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, जस्ट पढ़ें बताइए किस कविता का लाइन है,
तो आपका कविता कौन सा हो जाएगा, पोइम कौन सा हो जाएगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ करेक्ट आंसर, सी नंबर आंसर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, होपिंग टू सीज नॉर्थ दिल्ली। देखिए आपको बोलते बोलते सारे चीज़ें बता दिए थे, पहले ही पढ़ चुके, होपिंग टू सीज नॉर्थ दिल्ली। जब तक होपिंग में से तो आशा कर रहा, मैं आशा करता हूँ कि जब तक कि मेरी मृत्यु नॉट टिल दिस, जब तक कि मेरी मृत्यु ना हो जाए मैं अपने आप को सीज नहीं होने देगा, मैं अपने आप को रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, मैं अपने आप में आनंदित करता रहूंगा, मैं अपने आप को खुश करता रहूंगा। इसलिए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो लाइन है किस कविता का लाइन है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन माई डियर स्टूडेंट, ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन, ये है आपका अग्रवाल सर, आपका अपना अग्रवाल सर, और माई डियर स्टूडेंट आपके लिए कुछ लाइन भी पेश कर रहा हूँ। आप लोग को बता दिया था कि ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये एक रिलीजियस पोएम है, रिलीजियस में धार्मिक कविता है, धार्मिक कविता, ये धर्म के बारे में बताया गया है। दुनिया में कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, सभी एक ही कण से बनी हुई है और सभी सर्वशक्तिमान ईश्वर के एक ही जैसे संतान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, रिश्तों का कोई जाति धर्म नहीं होता, रिश्तों का कोई जाति धर्म नहीं होता, जहाँ मोहब्बत है रिश्ता वहीं पनपता है, क्योंकि धर्म मजहब और जाति का नशा वहीं उतर जाता है जब हॉस्पिटल में खून की जरूरत होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कैसा लग रहा है वीडियो आपको देखने में, या आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, या कैसा वीडियो आप चाह रहे हैं, या कौन सा वीडियो चाह रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे मनोबल हाई होता है। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।